Hey guys, this is Shamim and welcome back to my channel KibaKibi. आज मैं बहुत दिनों के बाद एक मैजिक ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे पुराने एक मैजिक के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आने लगे हैं. सो मैंने सोचा कि एक मैजिक का वीडियो देख के देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है, आप लोगों को कैसा लगता है. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट वन मिनट में मैंने आप लोगों को पांच मैजिक ट्रिक्स दिखाए, उनमें से एक ये वाला मैं पहले सिखा चुका हूँ इस चैनल में. सो यहाँ पे कहीं पे लिंक आएगा, आप लोग एक बार देख लेना अगर आपको वो सीखना है तो. एंड द फर्स्ट ट्रिक जो मैंने दिखाया था दैट इज कॉल्ड स्नैप चेंज. तो इसे करने का प्रोसेस एकदम ईजी है. सो यू बेसिकली टेक टू कार्ड्स एज वन लाइक दिस. आप लोग ऐसे दो कार्ड लेते हो एक के जैसा एंड यू लिटरली स्नैप. तो ये कार्ड ऐसे रहता है, सो दिस इज लिटिल एंगल सेंसिटिव. तो आप लोग को ऐसे करके स्नैप, इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग दिस तो ये आप लोग का हो जाएगा. सो स्नैप, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही क्लीन होगा वो. एंड ये जो कार्ड रहता है इसको आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो फॉर द क्लीन अप. इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग का आ जाएगा. एंड एक चीज मैं बता देता हूँ, इस वीडियो के जो मैजिक ट्रिक्स हैं, दिस ट्रिक्स आई पर्सनली डोंट प्रीफर, मुझे उतने अच्छे नहीं लगते. दीज आर वेरी इफेक्टिव. क्योंकि जब मैं छोटा था तो एक बुक फेयर में गया था, वहाँ पे मैंने दो बुक्स खरीदे थे. उन बुक्स का नाम था कार्ड ट्रिक्स फॉर बिगिनर्स एंड कार्ड मैजिक फॉर बिगिनर्स एंड कॉइन मैजिक फॉर बिगिनर्स. उस बुक्स में ये सारे ट्रिक्स थे, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगे थे मुझे ये ट्रिक्स, क्योंकि आपको वन पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू. सिर्फ स्टेज मैजिशियंस उन सबको परफॉर्म कर सकते थे उस जमाने में, बिकॉज दे हैव दिस एडवांटेज ऑफ वन पॉइंट ऑफ व्यू. बट देन मैजिक इन्वॉल्व विथ स्ट्रीट मैजिक, पीपल वेंट मोर टूवर्ड्स स्ट्रीट मैजिक, जहाँ पे क्या होता है यू आर सराउंडेड. तो कुछ एंगल सेंसिटिव मैजिक आप नहीं कर सकते थे. बट आजकल विथ यूट्यूब इनको बोलते हैं इन कैमरा मैजिक, क्योंकि कैमरा होते ही आप लोग को वो जो पुराना स्टेज वाला चीज़ था वन पॉइंट ऑफ व्यू एडवांटेज वो आप लोग को मिल जाता है. सो मुझे ये ट्रिक्स उतने अच्छे नहीं लगते, बट आप देख लो इफेक्टिव तो है, कैमरे में तो बहुत अच्छा लगता है. सो तो पहला ट्रिक मैंने क्या दिखाया था, मेरा हाथ ऐसे खाली रहता है एंड आई जस्ट ग्रैब ए कार्ड आउट ऑफ नोवेयर. तो उसको करना भी एकदम इजी है, एंगल सेंसिटिव मैंने बोला था. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू होल्ड द कार्ड लाइक दिस. आपको कार्ड होल्ड करना है ऐसे, इस एंगल से ये कार्ड दिखता है. ऑब्वियसली हर एंगल से आपको वो कार्ड दिखेगा, बट इफ यू लुक फ्रॉम दिस एंगल, सी इफ यू लुक फ्रॉम दिस एंगल आपको वो कार्ड नहीं दिखेगा. अब थोड़ा हाथ ऐसा होगा, आपका थोड़ा हाथ ऐसा होगा तो कार्ड दिखेगा, बट एग्जैक्टली फ्रॉम दिस एंगल द कार्ड इज इनविजिबल. आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका हाथ खाली है, ये सब एरिया पूरा खाली है, देन सडनली जस्ट ग्रैब द कार्ड आउट ऑफ नोवेयर. आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, बट दिस इज़ वेरी इफेक्टिव ऑन कैमरा मैजिक. योर हैंड्स कैन गो टिल दिस पॉइंट, यहाँ तक आपका हाथ जा सकता है, इतना एम्प्टी लगता है फ्रॉम वन सर्टेन एंगल. ये चीज़ इतना एम्प्टी लगता है कि आपका हाथ ऑलमोस्ट यहाँ तक जा सकता है एंड देन आउट ऑफ नोवेयर यू जस्ट ग्रैब द कार्ड. आई नो इट्स फन, आप लोग टिकटॉक में ट्राई कर सकते हो. एंड द सेकेंड ट्रिक जो मैंने दिखाया वो तो और भी ज़्यादा फनी है, आप लोगों ने थोड़ा पकड़ ही लिया होगा वो इंट्रो में ही, क्योंकि ये सारे मैजिक ना मैं प्रैक्टिस नहीं करता. दीज आर नॉट माई काइंड ऑफ अ मैजिक, बट वेरी इफेक्टिव. ऑब्वियसली आप लोगों ने देख के आप लोगों को लगा होगा कि अरे यार कैसे हो गया. सो उसी इफेक्ट के लिए मैंने ये किया था. सो उस इफेक्ट में क्या होता है, आप जो बॉक्स रखते हो टेबल में, इन द एक्शन ऑफ कवरिंग द बॉक्स आप इस उंगली से उस बॉक्स को फ्लिक कर देते हो अपने लैप में, अपने मतलब टेबल के
par. So literally you just flick the box like this. So in a continuous action, वो invisible जैसा लगता है कि वो गायब हो गया, ऐसा लगता है. But this is also very funny. And now the money shot, the last trick, कि कार्ड से पकड़ता हूँ and the card is गायब. वो भी एकदम easy है, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ चाहिए जो मैं भी लेके आता हूँ. जो चीज़ आप लोग को चाहिए वो है इलास्टिक. मैंने कैसे किया, क्या यूज़ किया, मैं दिखाता हूँ आप लोग को. सो बेसिकली क्या है, इलास्टिक्स आर यूज्ड इन मैजिक बहुत पुराने ज़माने से. बिकॉज इलास्टिसिटी से क्या होता है कि रिट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब आप चीज़ों को गायब बहुत ईजीली कर सकते हो. बट स्टेज के मैजिक के दिनों में क्या होता था, एक इलास्टिक आपके जो कोट होता था मैजिशियन का, उसके उस कोट के स्लीव से अंदर से होके ऐसे स्लीव से आके वहाँ पे पकड़ते, तो क्या होता था कि अगर ऐसा करोगे आप अचानक तो चीज़ स्लीव के अंदर घुस जाता था. सो इट अपीयर टू गो इनविजिबल और डिसअपीयर. बट अभी क्या है कि कौन अभी फिर स्लीव आजकल भी करते हैं, बट आई डोंट नो, स्टेज मैजिक इज डेड आई गेस. मैंने तो बहुत दिनों से नहीं देखा. मेरे घर में अभी इलास्टिक नहीं था, तो मैंने क्या किया, आई टुक दिस सस्पेंडर्स. अगर आप लोगों को सस्पेंडर्स नहीं पता, सस्पेंडर्स हैं कि जब आप सूट पहनते हो सो ऐसे दो चीज़ें लगाते हैं. आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा ऐसा. तो इनको बोलते हैं सस्पेंडर्स, एंड इनमें इलास्टिसिटी बहुत रहती है. सो तो मैंने क्या किया, अगर आप लोग देख सकते हो तो इधर सस्पेंडर को मैंने अटैच कर लिया. अपने पजामे में मैंने सस्पेंडर को ऐसे अटैच कर लिया, तो ये अटक गया इधर, और इस चीज़ को ऐसे पीछे से लाके लाइक दिस. तो क्या है, ये अगर सस्पेंडर है आपका, तो यहाँ पे ना आप ऐसे कार्ड को फंसा सकते हो लाइक दिस. आप कार्ड को फंसा सकते हो, और अगर हाथ, और ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप को अगर आप हाथ से कवर करोगे एंड इफ़ यू डू दिस, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. एंड आई एम वेयरिंग ब्लैक फॉर द सेम रीज़न, ताकि आप लोग को ये ना दिखे, और मैंने वो थोड़ा डार्क एटमोसफेयर में शूट किया ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग. बट अगर आप ऐसा करोगे एंड देन इफ़ यू लेट गो, द कार्ड वैनिशेस. इट अपीयर्स टू गो वैनिश, बट वो बहुत फनीली ऐसे इधर उधर हो जाता है. इट गोज लाइक यू आर होल्डिंग दिस एंड सडनली लेट गो. उस वाले शॉट में मुझे बहुत प्रैक्टिस लगा, क्योंकि ये प्रॉपरली हो नहीं रहा था. सो इट वॉज वन शॉट वर्थ द इफेक्ट. तो बस यही थे आज के तीन इफेक्ट जो मैंने वीडियो में दिखाया आप लोग को. आप लोग ये इफेक्ट ना इन कैमरा कर सकते हो, टिकटॉक टॉक में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग करोगे. और इलास्टिक आप कोई भी कर सकते हो. मैंने सस्पेंडर्स लिया. अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई इलास्टिक है तो आप उसी को यूज़ कर सकते हो. और सिर्फ कार्ड नहीं, अब कोई भी चीज़ हो, कोई भी लाइट वेट पेन हो, कुछ भी हो, अगर आप इलास्टिक को वहाँ से अटैच कर लोगे तो आप हर चीज़ को आप वैनिश कर सकते हो. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. मैंने बहुत दिन बाद बनाया मैजिक का वीडियो, बहुत अच्छा लगा मुझे बना के. और मैजिक के वीडियोज़ मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई एम नॉट ए मैजिशियन. आप लोग मुझे ऐसा मत सोचो कि मैजिशियन, क्योंकि मुझे बस अच्छा लगता है ये चीज़. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड. और मैं जो भी ऐसे मैजिक करता हूँ ना, वो मुझे कुछ ऐसे मैजिक ट्रिक आते हैं जो थोड़े टॉप नॉच है, मतलब थोड़े आजकल जैसे कि सिल्क थ्रू फोन, ये सब कुछ जो है, ये सब भी मुझे आता है. लेकिन आई हेजिटेट टू टीच ऑल दिस थिंग्स इन माय चैनल, बिकॉज किसी का रोज़गार चल रहा है उस चीज़ से, मे बी उस ट्रिक से. सो व्हाई टू स्पॉइल इट. मैं जस्ट ऐसे फन वाले ट्रिक ही मैं रिवील करूँगा यहाँ पे, विच आर वेरी इफेक्टिव बाय द वे. अगर आप लोग अच्छे से करोगे देन दीज ट्रिक्स आर वेरी 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 इफेक्टिव. और इफेक्टिव से याद आया, मेरे एक पुराने वीडियो में रिसेंटली कॉमेंट आया था कि मुझे तीन पत्ती का वीडियो चाहिए, तीन पत्ती का मैजिक चाहिए, MEJIC मैजिक, तीन पत्ती का मैजिक चाहिए. एनीवे, बट तीन पत्ती ना मुझे पसंद नहीं है. पता नहीं, मैं इस वीडियो में हर चीज़ को पसंद नहीं बोल रहा हूँ, बट तीन पत्ती भी मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज तीन पत्ती इज़ गैम्बलिंग. और गैम्बलिंग में क्या होता है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ. तो गैम्बलिंग का जो फेवरेट गेम है वो है तीन पत्ती. तो तीन पत्ती में क्या होता है, तीन कार्ड्स रहते हैं. मेरे पास भी अभी तीन किंग्स हैं, किंग ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ हार्ट्स एंड किंग ऑफ स्पेड्स. तो तीन पत्ती में क्या है कि इट्स ऑल अबाउट योर लक. अभी आपको लगेगा कि किंग ऑफ हार्ट्स बीच में था, राइट, बट अगर मैं इसे स्नैप करूं तो किंग ऑफ हार्ट्स आ जाता है ऊपर.
अगर मैं किंग ऑफ आर्ट्स को फिर से लेके ऐसे नीचे प्लेस करूं और फिर से स्नैप करूं किंग ऑफ हार्ट्स फिर से ऊपर, और ये किंग ऑफ हार्ट्स इतना ट्रिकी है, इनफैक्ट तीन पत्ती इतना ट्रिकी है कि मैं किंग ऑफ हार्ट्स को फिर से बीच में रखूंगा। ठीक है, ये देखिए किंग ऑफ हार्ट्स बीच में है और इस कार्ड को मैं ऊपर उल्टा करके रखूंगा ऐसे, ताकि हम सबको दिखता रहे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। बट क्या है, आप जितना भी ध्यान क्यों ना दे, ऐसे देखते ही देखते वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे तीन ही कार्ड है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा गैमलिंग के हिसाब से आप लोग तीन पत्ती कभी मत खेले, बिकॉज यू माइट नेवर विन, यू जस्ट माइट नेवर विन। तीन कार्ड से ही बहुत कमाल किया जा सकता है, सो जस्ट बी केयरफुल, स्टे सेफ। सो आई होप आप लोग घर में हैं, घर में ही रहिए, मेरे वीडियोज देखिए, प्रैक्टिस कीजिए मैजिक्स को। एंड अगर इस ट्रिक को सीखना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो में कितना 100-200, चलो पकड़ लेते हैं 200, अगर इस वीडियो में 200 लाइक्स आए तो मैं इस ट्रिक को इस चैनल में सिखाऊंगा, और अगर नहीं आए तो देखते हैं क्या होता है। बट डू लाइक दिस वीडियो, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो और आ रहा है इस चैनल में, आई होप कि विद इन 1 वीक आ जाए वो वीडियो। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोग को पता चले जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।